नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये खबर है साउथ दिल्ली से आ रही है। बात दरअसल ये है कि अभी के युग में ज़्यादातर ऑनलाइन सब कुछ होता जा रहा है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो खाने की ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिसिन हो, कुछ भी हो, सब ऑनलाइन पे ज़्यादातर निर्भर होते जा रहे हैं। तो इस बीच जो कोरोना का ये जो महामारी है, जिसमें हर जगह लॉकडाउन है, हर जगह मंदी है, इस बीच लोग खाने का ऑर्डर ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर जो दे रहे हैं लोग, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या वो नुकसान है, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो साउथ दिल्ली से ये खबर आई है कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और वो लास्ट जो उसका ऑर्डर था जो ट्रैक किया गया, जिसमें 72 ऐसे घर मिले हैं जहां पे उसने डिलीवर दिया है, और वो सारे 72 घर को क्वारंटाइन में रख दिया गया है दिल्ली की तरफ से। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की मदद से वो सारे घर को क्वारंटाइन में रख गया, और ये जानकारी को निजी रखा गया है, यानी ये मीडिया में नहीं बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे घर हैं जिसको क्वारंटाइन में रखा है। लेकिन खबर यही है कि 72 ऐसे घर जब डिलीवर किया गया था पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की तरफ से, तो 72 ऐसे घर ट्रैक किए गए जिसको क्वारंटाइन में रखा गया है। हालांकि ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो लोग पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन उनको क्वारंटाइन में रखा गया और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि वो लोग पॉजिटिव है या नहीं है। तो बात ये हुई कि जो मतलब हम लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, चाहे वो खाने के रूप में चाहे वो शॉपिंग के रूप में, अगर कोई समझ लीजिए अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो वो कितनी घर को मतलब संक्रमित कर सकता है आप सोच नहीं पाओगे। जैसे कि इस केस में हुआ है कि 72 ऐसे घर पाए गए जिनको मतलब क्वारंटाइन किया गया, और 72 जगह पर वो डिलीवरी दिए हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, इसको ट्रैकिंग करने के बाद पता चला। उसके बाद पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, उसका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों ये ही वो न्यूज़ थी जो लगा मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए कि साउथ दिल्ली का ये घटना है। तो अभी इस तरह के माहौल होते जा रहे हैं कि मतलब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन मतलब ऑर्डर करके उनको पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, किसी कंपनी का मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। तो उसमें ध्यान रखने की बात है कि अपने एम्प्लॉय को मतलब रूटीन से ही उसकी जाँच की जाए कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी किसी समय भी अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है उन कंपनियों से कि अपने एम्प्लॉय का ज़्यादातर खास करके ध्यान रखा जाए, क्योंकि उस एम्प्लॉय का पूरा देश पे निर्भर होता है, पूरे राज्य पे निर्भर होता है। वो अगर वो पाया जाएगा, अगर पॉजिटिव पाएगा, तो पूरे मतलब परिवार सभी संक्रमित हो सकते हैं उसके वजह से। तो इसलिए ये कंपनी का फ़र्ज होता है, और वो और जो नागरिक है, जो कह सकते हैं कि जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है या कोई भी हो, कोई भी डिलीवरी कर रहा हो, कोई भी, उसे भी अपने आप को दूरी मेंटेन, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना आवश्यक है, ताकि अगर वो किसी से पॉजिटिव हुआ होगा तो वो तो किसी वायरस से पॉजिटिव हुआ होगा, या फिर किसी के संक्रमित किसी से मतलब मेल जोल के कारण ही संक्रमित हुआ होगा। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें तभी डिलीवरी करें। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था आप लोगों को बताने का कि साउथ दिल्ली में जो घटना हुई जिससे 72 परिवार ऐसे पाए गए हैं जहाँ पे उसने डिलीवरी किया और उसको क्वारंटाइन में रखा गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना, ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।